स्पीकर को इसको ऐसे प्लेस कर देंगे और फिर उसके बाद एकदम ओएम फिट हो जाता है। उसके बाद भाई अपना पैनल में लग चुका है स्टीरियो, आप देखो बिल्कुल ओएम फिटिंग आई, बिल्कुल अंदर है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि भाई कहीं कटिंग करी है कुछ भी। बाकी साउंड अच्छा है, अच्छा आने वाला है। चलो भाई, हेलो भाई, मैं हूँ सौरभ नागर और आज भाई कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, आज हम अपनी वैगनर गाड़ी में भाई ऑडियो काम कराने वाले। आप देख सकते हो बिल्कुल इसमें बीच में कोई स्टीरियो वगैरह नहीं, मेरे भाई जब से गाड़ी आई अपने ऐसे ही है। अब मैं आपको इसके ऑनर से बुलाता हूँ, गौरव भाई से। गौरव भाई क्या हाल चाल है? बड़े भाई, तो गौरव भाई इतने टाइम बाद आज ऑडियो सिस्टम आप फाइनली अपग्रेड करा ही रहे हो। अपग्रेड क्या है, पापा जी पे रहती है तो पापा जी को शौक तो है नहीं गाना सुनने वगैरह का, तो मैंने आज सोचा मैंने कि चलो आज ऑडियो सिस्टम वगैरह लगवा लिया जाए। तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, गौरव भाई पास और भी गाड़ी है पर ये गाड़ी इनके फादर की थी। तो अब भाई क्या कर रहे हैं इस गाड़ी को, मतलब ये मान के चलो इस टाइम ये गाड़ी बिल्कुल जीरो है, मतलब इसमें कोई स्टीरियो नहीं है ना कोई अलॉय है, मतलब स्टॉक गाड़ी है। अब भाई हमने इस गाड़ी को एक अपने प्रोजेक्ट की तरह ले लिया, अब इस गाड़ी को हम पूरा मॉडिफाई करेंगे भाई, अलॉय से लेकर अंदर सब कुछ करने वाले हैं। तो भाई अब हम आ चुके हैं अपनी कार प्लस पर। तो भाई अपनी शॉप दादरी के पास है तिलपता गाँव में, अब यहाँ पर अंदर चलेंगे और भाई से पूछेंगे स्पीकर वगैरह के बारे में सब कुछ और देखते हैं भाई क्या खर्चा आता है ओवरऑल। चलो भाई चलते हैं। भाई हमारे दुकान में आ चुके हैं, क्या हाल चाल है भैया? तो भाई सबसे पहले आज अपनी वैगनर गाड़ी में पूरा ऑडियो सिस्टम मतलब बनाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल गाड़ी में नहीं कोई स्टीरियो है ना स्पीकर कुछ भी नहीं। तो भैया सबसे पहले बताओ कौन सा स्टीरियो लगाने वाले हो आज? ये सेकंड हैंड में है हमारे पास। अच्छा, ये लगवा लो, बेस्ट है एकदम। कौन सी ब्रांड का है भैया? पाइनर। अच्छा पाइनर का, मतलब कैसे रिस्पॉन्स है इसका? बढ़िया है इसका, इस पे सिस्टम भी लगाओगे ना वो भी बढ़िया बढ़िया। और बाकी स्पीकर में भाई मैं देख रहा हूँ स्पीकर में हमारे पास ये मारुति का जेन्युइन है ओईएम। अच्छा मतलब ये ओईएम मारुति का ये भाई, इसकी तो मैग्नेट काफी छोटी, मतलब कैसा मैग्नेट छोटी पे मत जाओ, ये बजने में बहुत अच्छा आउटपुट अच्छा है इसका। और अगर मैं इधर देख रहा हूँ आपका अल्फा सीरीज के हैं, अल्फा सीरीज इन्फिनिटी है, बाकी ये ब्लोपंग कंपनी है, नीचे पायनियर के है। तो कितने वाट खन वाले, मतलब अल्फा आपका 320 वाट है भाई आप, और ये आपका ब्लोपंग आ जाता है 280 वाट है और पायनियर 390 वाट है। 390 वाट है, मतलब क्या प्राइसिंग आने वाली फिर भैया इनकी? प्राइसिंग इन्फिनिटी 2800 रुपए है, ठीक है भैया, 2200 रुपए है, फाइनल कंपोनेंट 4500 रुपए 4500 रुपए में। और वारंटी वगैरह इनकी? एक साल की वारंटी है। अगर भैया अगर हमें बेसिक सेटअप लगाना हो मतलब कितना खर्चा आ जाएगा उसमें? खर्चा आपके ऊपर होगा, हमारे नहीं। अगर जैसे मान लो चार स्पीकर और एक स्टीरियो डालना हो हमें गाड़ी में, स्पीकर और ये इसका खर्चा मान के चलो 15000 रुपए 15000 के समथिंग आ जाता है अपना। तो चलो भाई एक बार काम स्टार्ट करते हैं गाड़ी में और देखते हैं क्या क्या काम होता है। बाकी साउंड अच्छा है, अच्छा आने वाला है। चलो भाई, और वायरिंग वगैरह क्या सीन है? वो सब नॉर्मली अपना है। चलो ठीक है भैया, भाई गाड़ी में काम स्टार्ट हो चुका है। तो भैया सबसे पहले बताओ क्या करने वाले हो? सबसे पहले स्टीरियो लगेगा इसमें। अच्छा, तो इसके लिए कहाँ से पैनल को खोलोगे? ये खोल दिया। अच्छा, ये खुल गया यहाँ से। तो भाई देख सकते हो भाई ने पैनल पूरा खोल दिया अपना। यहाँ पर आपको देखो दो स्क्रू है भाई, इनको यहाँ पर लॉक कर लेंगे स्क्रू को। तीन है तो मतलब भाई पूरा फ्रेम मतलब ये वाले हिस्सा पूरा बाहर को आ जाएगा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद मतलब ये अपना भाई फिट एंड फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल एकदम वो फिनिश आ जाएगा उसके बाद। तो चलो भाई काम चल रहा है अपना, बाहर देख सकते हो बारिश भी हो रही है, काफी दिक्कत आने वाली है। भाई देख सकते हो पूरा पैनल बाहर को आ चुका है इसका। इसमें पीछे भाई किस चीज के कपलर है? स्टीरियो के कपलर, कनेक्शन वायरिंग। इसमें कनेक्शन है इसमें पीछे की तरफ ये। तो भाई इसका निकल चुका है, इसका स्टीरियो फिट करेंगे। भाई अपना पैनल में लग चुका है स्टीरियो, आप देखो बिल्कुल ओएम फिटिंग आई, बिल्कुल अंदर है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि भाई कहीं कटिंग करी है कुछ भी। तो भैया कैसे फिट कराते हैं इसमें? ये भैया यहाँ से इसका ये निकालने के साथ साथ में, हाँ भैया, ये ऐसे ही सेट हो जाता है। अच्छा, मतलब इसे बस पैनल को खोलो स्क्रू कसो बस वही बस। चलो भाई अपने गाड़ी में चलते हैं, उसको अंदर फिट करते हैं गाड़ी में। भाई अब इसके स्टीरियो को फिट करें तो भैया कैसे करोगे मतलब इसको? बस ये हो गया, इसमें ये कपलर लगेगा। अच्छा, ये कपलर इसमें तो कपलर होता है, ये वायरिंग इसके अंदर पहली आती है गाड़ी के अंदर कंप्लीट वायरिंग। अबे भाई इसको लगाएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर लगा के और इसके स्क्रू को लगा के कस देंगे भाई। फिर इसमें चाबी लगा दो, ऑन हो जाएगा। अच्छा, चाबी लगाते हैं, ऑन इग्निशन इसके पूरा है। कर भैया ऑन कर गाड़ी को यहाँ से। भाई लाइट आ चुकी है, देखो बटन में यहाँ पर ब्लू, अरे भाई डिस्प्ले आ चुकी है इसके अंदर आप देखोगे तो। भाई सही है यार, और क्या ही अपना वही अपना वायरिंग आती है इसके अंदर अपनी इनबिल्टी। भाई आप देखोगे यहाँ पर डोर पैनल को हटा दिया गया है इसमें, बाकी यहाँ पर देखो इसमें रिंग फिट करी जाती है अलग से, क्योंकि इसमें आती नहीं है। इसके ऊपर हम स्पीकर को इसको ऐसे प्लेस कर देंगे और फिर उसके बाद एकदम ओएम फिट हो जाता है उसके बाद। तो गौरव भाई एक चीज बताओ आप मेरे को, गाड़ी की ऐसी हालत देख के कैसा लग रहा है आपको? भाई पहली बार खुल रही है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बड़ा गंदा फील हो रहा है। भाई वैसे एक चीज देखो मतलब कितनी धूल जाती है अंदर, ये चीज हमको दिखती नहीं है, बट अंदर से गाड़ी लगती कितनी साफ है, कितनी साफ है, बट यहाँ देखोगे भाई रियलिटी ये है धूल की। बाकी गाड़ी में आप देखो पूरी खुली हुई है, यहाँ पर काम चल रहा है, इसमें इन प्रोग्रेस है। चलो भाई आगे मैं दिखाऊंगा आपको, जो भी जैसे ये डोर पैनल पैक हो जाएंगे आपके।
भाई आप देखोगे यहाँ पर वायरिंग भी आ चुकी है। तो भैया पहले इस वायरिंग के बताओ, इसमें ये आती है कंपनी फिटेड वायरिंग भैया? अच्छा, इसमें मतलब इसमें आप देखो भाई, इसमें पिन है बस, ये सीधा इसमें आप लगाओ प्लग एंड कपलर टू कपलर होती है, लेकिन इसमें कपलर नहीं है, बाकी ये ऐसे ही लग जाएगा इसमें। हाँ मतलब वही प्लग एंड प्ले है, मतलब लगाओ अपना सिंपल है, बाकी इसको लगा देंगे भाई, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पीकर को आप कस देंगे इस पे रिंग के ऊपर, फिर उसके बाद इसको डोर को पैक कर देंगे बस भाई, इतना ही रहता है स्पीकर की, पैक हो जाएगा, पैक हो जाए बस भाई, इतना ही रहता है इसमें। भाई गाड़ी में सारा काम हो चुका है, अपने स्टीरियो लग चुका है, चारों गेट में अपने स्पीकर लग चुके हैं, अपना ट्विटर की प्लेसमेंट हो चुकी है। तो भैया कितना टाइम लग गया इससे पूरे इस काम करने में? इसमें लग गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लग चुका है। तो भाई अब एक बार मैं आपको उसका आउटपुट सुनाता हूँ, मतलब जो ओवरऑल जो इतना पैसा लगा, इतनी मेहनत लगी, अब देखते हैं कैसा आउटपुट निकल आता है। एक बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने ब्लूटूथ से। भाई अब कनेक्ट कर लिया है, मैं आपको उसका आउटपुट सुनाता हूँ कैसा है। गौर भाई चला दो गाना। भाई आउटपुट आपने सुन लिया, मतलब भाई एक नंबर है ये मान के चलो, क्योंकि जब सिस्टम लग रहा था मेरे को लगा था भाई स्पीकर छोटे हैं, पता नहीं कैसा आउटपुट आएगा, पर लगने के बाद जो मतलब ये मान के चलो, एक तो गाड़ी अपनी छोटी है, हैचबैक है पूरी, इसके अंदर जो आउटपुट आया ना मजा आ गया। तो गौर भाई कितना पैसा लगा दिए सिस्टम के लिए? 9-10 हज़ार रुपए लग गए थे इसमें, 9-10 हज़ार पूरे वायरिंग वायरिंग सब कुछ कर आके। तो भाई सेटिस्फाइड हो पूरे चीज को लेकर? हाँ जी, बेसिक ही है अपना भाई, ये बेसिक से आप मान चलो, इसके जो वोकल्स हैं बेस मतलब भाई सही है इसमें, आप ये मान चलो सीएनजी गाड़ी, इसके अंदर आपको बेस ट्यूब की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट भाई इसमें जो मेन आउटपुट जो आ रहा है ना वो इस स्टीरियो की वजह से है, क्योंकि पायनियर का एक मान के चलो भाई एक हाई एंड स्टीरियो है बिल्कुल, इस वजह से इतना आउटपुट आया। तो भाई यही था इस वीडियो के अंदर एक पूरे इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।